स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल अनसुलझे रहस्य में। आज हम आपको दोस्तों ईसाई धर्म के सबसे बड़े रहस्य होली ग्रेल के बारे में बताएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हो सकता है कि प्रायरी ऑफ साइन सच्चाई हो, ना हो तो ही अच्छा है, क्योंकि हर प्रायरी ऑफ साइन का अंजाम खून खराबा ही हुआ है। चर्च ने उन्हें बेरहमी से मिटा दिया है। कहा जाता है कि इसकी शुरुआत हजारों साल पहले हुई थी, जब फ्रांस के एक राजा ने पवित्र शहर यरूशलेम पर हमला किया था। इतिहास के सबसे बड़े और तेजी से फैलने वाले इस विद्रोह की योजना दरअसल प्रायरी ऑफ साइन के गुप्त संगठन ने बनाई थी, जिनके पास नाइट टेम्पलर नाम की एक पूरी फौज थी। उनका असली मकसद तो कुछ और ही था। मिथक के मुताबिक इस फौज के हमले का असली मकसद था वो कलाकृति ढूंढना जो ईसा काल में कहीं खो गई थी। कहा जाता है कि इस कलाकृति को पाने के लिए चर्च कुछ भी कर सकता था। सुनने में आया है कि एक दिन टेम्पलर योद्धाओं ने इसे ढूंढना बंद कर दिया। वो पवित्र शहर यरूशलेम छोड़कर रोम के वेटिकन सिटी की तरफ चले गए। अब उन्हें चर्च ने धमकाया या चर्च ने उन्हें खरीद कर चुप करा दिया, कोई नहीं जानता। मगर ये सही है कि चर्च ने प्रायरी ऑफ साइन के इन योद्धाओं को, इन टेम्पलर्स नाइट को, बेशुमार ताकतें दे दी थी। सन 1300 तक ये टेम्पलर्स इतने शक्तिशाली हो गए थे कि इनका खौफ चारों तरफ फैल गया था। इसीलिए वेटिकन के अधिकारियों ने एक गुप्त आदेश जारी किया जो पूरे यूरोप में एक साथ लागू हुआ, जिसमें टेम्पलर योद्धाओं को शैतान का उपासक बताया गया और कहा गया कि ईश्वर ने उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी है कि वो इन धर्म विरोधियों का संपूर्ण विनाश करे। योजना एकदम कारगर साबित हुई। लगभग सभी टेम्पलर्स को मौत के घाट उतार दिया गया। तारीख थी 13 अक्टूबर 1307। वेटिकन ने प्रायरी ऑफ साइन के खजाना लाने अपनी फौज भेजा, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगे। कुछ टेम्पलर्स योद्धाओं ने बच के भाग गए और उन्होंने पवित्र कलाकृति की खोज फिर से शुरू कर दी। वो कलाकृति जिसका नाम दुनिया भर के तमाम लोगों ने सुना है, मगर आज हम उसे जिस नाम से जानते हैं उसका नाम है होली ग्रेल। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, अपने विचार दें और हमें ऐसे ही वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँचे। धन्यवाद।